बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ेब और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ज़ेब वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। आज का व्लॉग मैंने सुबह सवेरे से शुरू किया है, जब मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स की तैयारी कर रही थी। तो आज के व्लॉग में मैंने अपना फुल डे कवर किया है। आपने ज़रूर वॉच करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अच्छा जी, तो मैं तैयारी कर रही हूँ मूली के पराठों की लंच बॉक्स के लिए। और इसमें मैंने मूली कद्दूकश की है, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, साबुत धनिए को थोड़ा सा कूट के डाला है, ज़ीरा डाला है और मूली के पत्ते डाले हैं, क्योंकि मूली को हज़म करने के लिए उसके पत्ते ज़रूरी हैं। तो सबको मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को मूली के अंदर। और उसके बाद इसके पेड़े बनाने लगेंगे। पेड़ा बहुत बड़ा भी नहीं लेना है, बहुत छोटा भी नहीं लेना है, क्योंकि हमने एक ही पेड़े के अंदर मूली का पराठा बनाना है। तो दरमियाना सा पेड़ा मैंने ले लिया, उसको अभी मैं बेलूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कि आज मैंने कैसा मूली का यूनिक पराठा बनाना है। तो वैसे तो मैं दो छोटे छोटे पेड़े बना के उसके बीच में मूली रख देती हूँ, तो वो भी अच्छा बन जाता है। लेकिन ये है कि उसमें ना थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, फट जाता है, और ये मूली जो है ना कच्ची है तो ये पानी भी छोड़ देती है। तो ये वाला जो मैंने अभी आइडिया सोचा है ना, जो अभी मैं बनाने लगी हूँ, इसमें ये है कि पानी का भी कोई वो निकलने का चांस नहीं रहता है, और पराठा भी लंच बॉक्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है। लंच बॉक्स में रखने के लिए भी सेट हो जाता है और इसका पानी वानी भी नहीं निकलता है, अंदर ही सूख जाता है पकने के साथ ही, और पराठे का भी अच्छा सा लुक आ जाता है। बच्चे पसंद करते हैं, नॉर्मल पराठे की जगह अगर इस तरह का पराठा बनाया जाए ना तो बच्चे उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये अब मेरा पराठा जो है ना वो बेल गया है, और अभी मैं इसके अंदर ये मसाला तो ऐड करूँगी, लेकिन इसको मैं वो शेप दूँगी जो अरबी पराठे को दिया जाता है, जैसे वो स्क्वायर शेप में अरबी पराठे बनते हैं ना रमज़ान में अक्सर, तो मैं वो शेप दूँगी। लेकिन इसको कोई डीप फ्राई नहीं करूँगी, वो तो डीप फ्राई हो जाते हैं, दूसरा वो मैदे से बनते हैं, लेकिन ये जो है ना आटे से बनाऊँगी मैं। और बैटर इसमें आप कोई भी डाल सकते हैं, इसी शेप सिर्फ थोड़ी सी चेंज है, बाकी बैटर तो आप इसमें मूली, गोभी और आलू, कीमा, कोई भी चीज़ इसका जो है ना दाल और किसी भी चीज़ का बैटर बना के जो है ना इसमें डाल सकते हैं, और इस तरह का शेप दे के जब आप इसको बनाएंगे ना, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। तो मेरे बच्चे ने भी पसंद किया ये पॉकेट पराठा। हालांकि पहले से अब्दुल्ला ने मना किया था कि मैं मूली का पराठा नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खाना है, मुझे स्कूल के लिए आज लंच ही नहीं लेके जाना। मैंने कहा ठीक है, आप नहीं लेके जाना, सफला ले जाएगा, हम खुद खा लेंगे। लेकिन जब बन गया तो वो दो पराठे ले गया। कह रहा है मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आए, मम्मा आइंदा ऐसे ही बनाना। मैंने कहा तो बेटा इसके अंदर भी तो मूली ही थी ना। कह रहे नहीं, इसका ज़रा टेस्ट अलग था, दूसरी पराठे का टेस्ट अलग होता है जिसमें से मूली निकल रही होती है। तो बच्चों को थोड़ा बहुत जो है ना बनाना पड़ता है, उनको नहीं टेस्ट का पता नहीं होता है, वो लुक देख कर जो है ना कहते हैं नहीं हमें ये नहीं खाना, या नाम सुनकर कहते हैं हमें ये नहीं खाना। तो इसलिए नाम की जगह उनको जो है ना स्वाद कराओ ना, तो उनको नहीं पता चलता है अगर कुछ भी खिला दो तो। जैसे कि मूली के पराठा वो खाता नहीं है, लेकिन आज उसने दो पराठे खाए, स्कूल लेके गया था और उसके दोस्तों को भी पसंद आए। तो आप भी बताइएगा आपको कैसे लगे मेरे ये पराठे मूली के। मैंने मूली के साथ काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंट की है, इस बार आटा इसके अंदर लबेड़ा भी है, वो भी पराठा बनाया था लंच बॉक्स के लिए, आपने देखा था, वो भी बहुत अच्छा लगा था, हमें भी बहुत अच्छा लगा था। तो ये दोनों भी लेकर गए थे, क्योंकि उसके ऊपर ऊपर मूली दिख रही थी। और एक मैंने पराठा बनाया था मूली का, जिसमें एक ये पॉकेट वाला हो गया, एक वो लबेड़ा था, एक ये है कि आटा मैंने गूंद लिया था मूली के बैटर में, तो वो मूली सारी उसके साथ मतलब चिपक गई थी, उस मूली का भी निकलने का चांस नहीं था। ये तीनों जो अभी मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं ना, ये कामयाब रहे हैं और लंच के लिए बहुत अच्छा आइडिया बन गया है ये। तो इस तरह के मैं करती रहती हूँ घर में, क्योंकि ब्रेड वगैरह तो मैं देने के हक में नहीं हूँ कि मैं बच्चों को ब्रेड दूँ, और पराठे जो है ना ये अगर सिर्फ गोल गोल पराठे इनको दिए जाए ना तो फिर उससे इनका दिल भर जाता है, और अगर रोल भी रोज़ बना के दिया जाए ना तो भी कहते हैं कि क्या रोज़ रोल हम खाएंगे, रोज़ रोल हम खाएंगे या रोज़ पराठा खाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा चेंजिंग करके ना फिर मैं चीज़ें वही देती हूँ जो वही हेल्दी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी सी तब्दीली करके ना बच्चों को बना लेते हैं
उनको फिर पता नहीं चलता, ये देखिए कितना मज़े का पराठा है, अंदर से फुल फिलिंग हुई है और पानी जो है ना वो ड्राई हो चुका है, ये देख सकते हैं अभी काफ़ी गर्म है, मुझ से उठाया नहीं जा रहा, तो छुरी की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त पराठे बन गए थे, बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने इनको ये कह के जो है ना भेजा था, मैंने कहा ये पॉकेट पराठे बनाए हैं मैंने आज, तो आप भी देखिए मेरे पॉकेट पराठे कैसे लगे हैं। हेलो जी, तो ये ये मुझे वीडियो नहीं बनाने देता है, बीच में कभी क्या कहता है कभी क्या कहता है। रोटी तो मैंने घर पे बना ली, लेकिन मछली ये लोग बाहर से लाए। सारी दुनिया में मैं नसीहतें करती फिरती हूँ कि घर का बना हुआ, घर का बना हुआ, और घर की मुर्गी दाल बराबर। घर वालों को ही मेरी नसीहतों की कोई कदर नहीं है। इनको यही कह रही थी कि कल लेकर आएंगे घर पे बनाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मुन्ना भाई का की मछली बहुत अच्छी है, मुन्ना भाई की मछली बहुत अच्छी है, देखते हैं कितनी अच्छी है। अच्छा नमक थोड़ा कम है, अच्छा जी। बच्चे खाना खा के ऊपर चले गए हैं खेलने के लिए, मैंने उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त से आज एक्टिविटी करनी है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने सोचा कि अभी उनको खेलने देती हूं और मैं नीचे ही नमाज़ पढ़ लेती हूं, अगर मैं ऊपर सहन में नमाज़ पढ़ूंगी ना फिर वो तंग होंगे और फिर एक्टिविटी में भी उनको मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी नीचे नमाज़ पढ़ लेती हूं फिर जाती हूं उनके साथ, जो एक्टिविटी मैंने करनी है वो आपके साथ भी शेयर करूँगी। और मैं अक्सर बच्चों के साथ इस तरह की हेल्दी एक्टिविटी करती रहती हूँ, तो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ मज़ीद भी एक्टिविटीज़ शेयर होंगी। तो आज जो मैं लहसुन यहाँ से लेके गई ना, वहाँ मेरे दाल में लहसुन डाला, इतनी अच्छी खुशबू आई, इतनी अच्छी खुशबू आई कि और जोश आया कि मज़ीद भाई घर में जो है ना कुछ चीज़ें उगाते हैं, क्योंकि रमज़ान भी आ रहे हैं तो कुछ अच्छी जो चीज़ें घर में फ्रेश मिल जाएंगी उसका ज़रा जायका और होगा। तो जो लहसुन का तजर्बा था वो तो हमारा कामयाब रहा है, लेकिन ये है कि उसमें जो धनिया हमने डाला था वो हमारा ख़राब हो गया, इतना अच्छा नहीं होगा है, तो मज़ीद हमने अभी आज धनिया भी उगाना है और भी चीज़ें उगानी है, तो उसके लिए मैं सामान लेके आई हूँ। बच्चों को भी बुलाना है, बच्चे भी साथ ये काम करेंगे, उनको भी इस तरह के काम में बहुत मज़ा आता है। तो ये देखें मैं मज़ीद इस तरह की जो है ना DIY डब्बे जो मेरे होते हैं, तो मैं इसी काम के लिए यूज़ करना चाह रही थी, इनको मैंने रखा था, और अभी जो है ना हम इसमें मिट्टी डालेंगे और हम तीनों मिलके जो है ना ये वाला गार्डनिंग का जो काम है ना करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि किस किस ने कौन कौन सा बीज बोया है। धनिया भी हमने उगाना है, लहसुन अगेन उगाना है, क्योंकि एक तजर्बा कामयाब हुआ है तो दूसरा तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा, और हमने मेथी भी उगानी है, मिर्चें भी उगानी है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं, आ जाओ बच्चों। आगे बच्चे मामा थोड़ा सा स्टोर में तो मैं दे देता हूं, एक एक डब्बा तुम ले लो, एक डब्बा सैफ ले लो मामा, एक थोड़ा सा। अच्छा स्टोर डब्बा है मेरा, ओके ओके, स्टोर बड़ी मेहनत से मुझे इसको फेंकना नहीं है, ओके नहीं फेंकती, बड़ी मेहनत से वॉश कर रखती है, ओके। अच्छा अब्दुल्ला तुमको क्या उगाना है, धनिया या मिर्चें? सही, पहले मिट्टी डालो आप, पहले मैं एक नंबर से आप मिट्टी डालो, अपने बॉक्स में मिट्टी डालो। इसमें मैंने पहले से सुराख किए हुए हैं, तो गमले में या कोई भी जो डब्बा या इस तरह की डिस्पोजेबल चीज़ हो उसमें नीचे सुराख ज़रूरी है। अच्छा अच्छा तो इस वक्त टाइम हुआ है तकरीबन 10-10:30 बजे का, खाना वगैरह हम खा चुके हैं, और आज गैस गई नहीं थी तो गैस का काम जल्दी जल्दी निबट गया, और मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया, तो जिसमें मैंने ये कपड़े धो लिए ताकि मेरा थोड़ा सा लोड कम हो, चादरें भी इस बार धोनी थी ना तो मैंने कहा ज़रा इनका लोड कम कर दूँ। अब मैं सोने लगी हूँ और आपसे चाहूँगी इजाज़त। आई होप कि आज का ये दिन और आज की ये पूरी रूटीन आपको अच्छी लगी होगी, ख़ास ख़ास चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर ली,
ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, हमें दुआओं में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड बाय बाय।